हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एच फॉर हॉरर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये कहानी कुमार जी की है, जो अपने भाई और एक दोस्त के साथ किसी शादी से लौट रहे थे। रास्ते में उनके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। और कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं, मेरा भाई और एक दोस्त एक शादी से लौट रहे थे। काफ़ी देर हो चुकी थी। हम अपनी गाड़ी को तेज़ी से चलाते हुए रास्ता काट रहे थे। तभी जल्दी घर पहुंचने के लिए मैंने एक शॉर्टकट रास्ता लिया, जो एक जंगल से होकर गुजरता था। कुछ दूर उस रास्ते पर चलने के बाद हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह दिखाई दी, जहाँ रोड से थोड़ा नीचे उतर कर एक तालाब था। हम तीनों ने थोड़ी देर वहाँ रुककर देखने का सोचा। हम तालाब की तरफ गए, तभी मुझे तालाब की दूसरी तरफ एक बड़े पत्थर पर एक काली सी आकृति दिखाई दी, जो अंधेरे में कुछ ठीक से दिख नहीं रही थी, पर इतना पता चल रहा था कि वो कोई आदमी है जो उस पत्थर पर बैठा हुआ है। तभी मेरे भाई ने मजाक में चिल्लाकर उसे हाय बोलने लगा, और उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मेरा भाई दो तीन बार और ऐसे ही चिल्लाया, पर वो आदमी ना तो हिला और ना ही कोई जवाब दिया। पर अचानक ही उसने पत्थर पे से छलांग मारकर पानी में दौड़ता हुआ हमारी तरफ आने लगा। उसे देखकर हम अपनी गाड़ी की तरफ भागे, और वो आदमी अचानक बीच पानी में गायब हो गया। हम तीनों गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगे, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हमारी गाड़ी के पीछे एक जोर से धाम की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई हमारी गाड़ी पर किसी चीज़ से जोर जोर से मार रहा हो। पर पीछे देखने पर हमें वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे भाई ने अपना फ़ोन निकालकर घर पर फ़ोन करने का सोचा, पर फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं था। यहाँ तक कि हम में से किसी के भी फ़ोन में सिग्नल नहीं था, और गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। गाड़ी स्टार्ट करते करते हमें लगभग 10 मिनट हो चुके थे, तभी अचानक गाड़ी शुरू हुई। मैंने एक्सीलेटर पर ज़ोर से पैर मारा और दुगनी तेज़ी से वहां से निकला। तभी हमने एक गेट पार किया, जिस पर पुराना कब्रिस्तान लिखा हुआ था। अभी भी हमारे चारों तरफ हमें एक भारीपन सा लग रहा था, पर हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ गए थे। मेरे भाई ने घर पर फ़ोन लगाया और मम्मी पापा को बताया। तभी उसने एक अजसा हाथ अपने साइड वाली खिड़की से अंदर को आते देखा। उसने फटाफट खिड़की का शीशा बंद किया और हमें भी शीशे चढ़ाने को कहा। हमने सारी खिड़कियां बंद कर दी। अब वो जो भी था वो हमारी गाड़ी के ऊपर था, और वो भी गाड़ी की छत पर ज़ोर ज़ोर से मार रहा था, जैसे वो अंदर आना चाहता हो। और अंदर ना आने की वजह से वो किसी जानवर की तरह अजीब से घुर्राने की आवाज़ निकाल रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और तेज़ी से भीड़ भाड़ वाले इलाके की तरफ जाने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद हमने एक ढाबा देखा, वहाँ बहुत भीड़ थी। हमने गाड़ी वहाँ रोक दी, पर हम तीनों में से किसी की हिम्मत उस गाड़ी से बाहर निकलने की नहीं हुई। तभी ढाबे पर काम करने वाला एक लड़का हमारी गाड़ी के पास आकर खिड़की नीचे करने को कहने लगा। हमने थोड़ी सी खिड़की नीचे की तो वो बोला, साहब आप गाड़ी में ही खाएंगे या ढाबे पर चल के खाएंगे। अब हमारी सांस में सांस आई, क्योंकि वो जो भी था, अगर वो अभी भी गाड़ी के ऊपर होता तो इस लड़के को ज़रूर दिखता। हम फटाफट गाड़ी से उतरे और ढाबे में जाकर बैठ गए, और दूर से ही गाड़ी को देखते रहे। खाना पीना खाने के बाद हम थोड़ी ही देर बाद गाड़ी के पास आए और चारों तरफ से गाड़ी को देखने लगे। हमारी गाड़ी पीछे से और ऊपर से पिचकी हुई थी। हमें ऐसे डरा हुआ देखकर थोड़ी देर बाद ढाबे का मालिक हमारे पास आया, और उसने पूछा, आप इतने डरे हुए क्यों हैं। हमने उसे सब बताया तो वो बोला, आप शायद पुराने कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए हैं, उस रास्ते पर ये सब बहुत बार हुआ है। हमने उससे पूछा वो क्या था। ढाबे का मालिक बोला, वो तो नहीं पता,
पर उस कब्रिस्तान और इस ढाबे के बीच में एक पीर बाबा की मज़ार है। जो भी वो चीज़ है वो उससे आगे नहीं आ पाती। इतना सुनकर हमारी जान में जान आई। हमने वहाँ थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद ढाबे के मालिक ने हमें आगे का रास्ता बता दिया। हम अपने घर की तरफ निकल गए। आज भी उस रात के बारे में सोचकर मेरा दिल दहल जाता है। क्या होता अगर हम टाइम रहते वहाँ से नहीं निकल पाते, या हम मज़ार वाले रास्ते के बजाय किसी और रास्ते को पकड़ते। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली कहानियाँ नहीं सुनी हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक करें और हमारी कहानियाँ सुनें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके, बाय।